कोयल की कूक, खूबसूरत आवाज, नेचर अपने उरूज पे है। जैसे ये कुदरत सरगोशियां कर रही हो, खजूर का कदीम दरख्त आप देख सकते हैं, मेरे सामने अगर पहाड़ आपको नज़र आ रहा हो तो ये अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग बाबा शाह मुराद अल मारूफ तकिया शाह मुराद की ज़ियारत है और ये उनकी आमाजगाह थी। हमारे इलाके की एक ख़ास बात यही है कि हर खित्ते में, हर एरिया में, हर जगह औलियाए कराम के आपको आसार मिलेंगे। ये एक ही जगह कई कुएं हैं, ये पानी आप देख सकते हैं कुएं के अंदर भी सब्ज़े ने अपना एक रंग बना रखा है। ये ऐसे पानी आता है कुएं से, इस नाल के ज़रिए ट्रैवल करता हुआ पानी इस एंड पॉइंट पे आता है जहाँ से लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी भरते हैं या कोई भी काम करते हैं, कपड़े धो लिए, कोई काम कर लिया, पीने का पानी भर लिया। अदरवाइज़ ये आपाशी के लिए इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ये दो नालियाँ बनी हुई हैं, एक सामने वाली और एक साइड वाली। जिस साइड का पानी खोलना हो वहाँ से पानी जाता है और ये मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ, चारा लोगों ने लगा रखा है। फिर उसकी ये आजकल तो बारिशों की वजह से ज़मीन के अंदर वतर मौजूद है जिसकी वजह से ये कुएँ कम इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सब्ज़ शादाब इलाका, ये आप देख सकते हैं ऊंची नीची ढलवाने हैं। ये सामने आप अगर देख सकें ये सॉल्ट रेंज है, वही सिलसिला है कोहिस्तान नमक वाला। इसका मंज़र भी आप देख सकते हैं। नाज़रीन, ये मेरे घर की छत से
सॉल्ट रेंज का मंज़र आप देख सकते हैं, यहाँ से ये ताहदे नज़र, ये कोहिस्तान नमक आप देख सकते हैं। ये मेरे घर की छत से हमारे गांव का मंज़र है। नाज़रीन, हमारी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।